ये जो स्मार्ट वॉच मेरे पास है इसी से मैं डायरेक्ट अपने घर के लाइट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। चेंज द डेस्क बल्ब टू पर्पल। और क्योंकि इसमें माइक और स्पीकर दिया गया है तो अगर मैं इससे सवाल पूछता हूँ तो वॉइस कमांड में ही मुझे आंसर्स मिलता है। हु इज द राइटर ऑफ हैरी पॉटर? बस बोल के मैं यहाँ पर रिमाइंडर या टास्क ऐड कर सकता हूँ एंड इवन डायरेक्ट मैं वॉइस कमांड से ही अलार्म सेट कर सकता हूँ, तो मुझे मैनुअली सब कुछ स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और माइक होने की वजह से मैं वॉच से ही कॉल रिसीव कर सकता हूँ या फिर यहाँ से ही मैं डायरेक्ट ब्लूटूथ कॉलिंग कर सकता हूँ एंड इवन वॉच के साथ मैं अपने ब्लूटूथ ईयरबड्स को भी यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ। यह है अमेज़फिट एक्टिव स्मार्ट वॉच जिसका प्राइस है 13,000 रुपीज। बाय द वे अनबॉक्सिंग आप साइड में यहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही स्लीक और ब्यूटीफुल स्मार्ट वॉच है। वेट अराउंड 35 ग्राम है तो बहुत ही लाइट वेट है और पहन के बहुत ही कंफर्टेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलता है। वॉच में आपको 1.75 इंच का एक ब्यूटीफुल एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि बहुत ही शार्प और कलरफुल है, वाइब्रेंट दिखाई देता है सारे आइकॉन्स। और डिस्प्ले के चारों ओर आपको कर्व्ड एजेस देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको ग्लास प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया है। इस वॉच को मैंने आउटडोर में जाके टेस्टिंग करके देखा है, बहुत ही ब्राइट हो जाता है। लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक यह है कि यहाँ पर कोई भी ऑटो ब्राइटनेस का फीचर दिया नहीं गया है जो कि आई थिंक डेफिनेटली प्रोवाइड करना चाहिए था। बार बार सेट करना बहुत ही अनोइंग है। बाकी जो वॉच फेसेस दिया गया है वो तो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर मिल जाता है जिसको आप ऑन ऑफ या फिर इवन टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हो। और चाहे तो आपको अलग अलग यहाँ पर स्टाइल्स मिल जाएंगे, लेकिन मेरा फेवरेट है कि वॉच फेस जो है उसी को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर फॉलो करता है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से मेन वॉच फेस के अंदर जो ट्रांजिशन होता है वो देखने में बहुत ही सीमलेस लगता है। इसका यूआई इस बार बहुत ही स्मूथ है, आई थिंक ये अबव 50 हर्ट्ज का ही है और मुझे तो एटलीस्ट कोई भी लैगिंग या फिर फ्रेम ड्रॉप्स नजर नहीं आ रहा है। साइड बटन को प्रेस करने के बाद आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस दिख जाएंगे जैसे कि हार्ट रेट स्कैनर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग जैसे हेल्थ फीचर्स आपको दिख जाएंगे और ये सारे सेंसर्स बहुत ही एक्यूरेट है। सनराइज और सनसेट का एक अच्छा मैपिंग भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा स्टॉप वॉच या फिर टाइमर्स जैसे बेसिक वगैरह फीचर्स आपको मिल ही जाएंगे और कैलकुलेटर भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है और कंपास का फीचर मेरा पर्सनल फेवरेट है। यहाँ पर नोटिफिकेशन इसमें बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं और काफी सारे इमोजीज का भी आपको सपोर्ट मिलता है, बट कुछ इमोजीज सपोर्टेड भी नहीं है यहाँ पर। मुझे इसका म्यूजिक कंट्रोल पैनल का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगा है। परफेक्टली इसके थ्रू आप अपने फोन के मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक फीचर दिया गया है वन टैप मेजरमेंट का जिससे आप सारे हेल्थ पैरामीटर्स को एक ही टाइम पे चेक कर पाओगे। और बाय द वे यहाँ पर जो स्लीप ट्रैकिंग है वो बहुत ही एक्यूरेट है, एकदम परफेक्ट रिजल्ट ये शो करता है। इस वॉच में आपको टू मेनी स्पोर्ट मोड्स मिल जाएंगे जो कि फिटनेस फ्रीक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर हो सकता है। इवन कई सारे बॉल गेम्स एंड इवन इंडोर गेम्स का भी यहाँ पर अलग से ऑप्शन दिया गया है जिनको आप ट्रैक कर सकते हो। और क्योंकि इसमें आपको इन बिल्ड GPS मिल जाएगा तो आप विदाउट आपके फोन को कनेक्ट करते हुए ही इस वॉच के थ्रू आपके एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। आपने किस रूट में परफॉर्म किया है वो सब कुछ आप चेक कर पाओगे एंड इवन वर्कआउट हिस्ट्री में आपको एक छोटा सा मैप भी दिख जाएगा। बाय द वे वॉच का जो ऐप लिस्ट है या फिर विजेट, कंट्रोल पैनल और इवन साइड बटन का जो फंक्शन है ये सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो डायरेक्ट वॉच से ही, यानी कि आपको अलग से बार बार एप्लीकेशन को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल दो ऐप काफी बढ़िया है एंड एक्चुअली ये वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट में ये ज़िप ऐप। आपको यहाँ पर सारे हेल्थ डिटेल्स एकदम परफेक्टली क्यूरेटेड चार्ट में दिख जाएगा, सारे एक्टिविटीज के डेटा और भी डिटेल्स में आप इससे ट्रैक कर पाओगे और ऑटो हार्ट रेट इंटरवल को भी कस्टमाइज करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे एक्चुअली आपको एक डेडिकेटेड ऐप स्टोर मिल जाता है जिससे आप न्यू एप्लीकेशंस आपके वॉच पे इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल टिकटॉक टो गेम को इंस्टॉल किया है और अब मैं अपने वॉच में ही इसको खेल सकता हूँ। एंड बोलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है कि Amazfit के सारे वॉचेस में न्यू वॉच फीसेस आपको रेगुलर मिलते रहते हैं जिनको आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। ये वॉच 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट भी है तो इसी को पहन के आप स्विमिंग भी कर सकते हो और बैटरी लाइफ आपको बहुत ही शानदार मिलने वाला है। इजीली 10 डेज से ऊपर आपका यहाँ पर बैटरी निकल जाएगा और इसका जो बैटरी लाइफ होता है एक्चुअली वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। मैं पिछले 2-3 सालों से Amazfit का स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहा हूँ, पर हाँ अगर आप GPS को यूज़ करते हो देन उस केस में एक दिन भी बैटरी नहीं चलेगा, ये बहुत ही कॉमन बात है। बाकी देखो मेरे दोस्त, वॉच तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है विद एक्सेप्शनल बैटरी लाइफ, पर मुझे फिर भी लगा है कि प्राइसिंग यहाँ पर और भी अग्रेसिव हो सकता था। आई थिंक अराउंड 10 के अगर इसका प्राइस पॉइंट होता देन और भी बढ़िया होता, बिकॉज मार्केट में और भी ऑप्शंस करंटली अवेलेबल है जैसे कि गैलेक्सी वॉच 4। हालांकि उसमें आपको बैटरी लाइफ इतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन
उसमें फीचर्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करना ना भूलें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में, एंड पीस।